हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ये चीज़ बताने जा रहा हूँ जो रिसेंटली मैंने अपने प्रोजेक्ट में चीज़ कही थी। तो ऐसा होगा कि मैं आपको बताऊँगा जो इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे जब तक आप लोग के साथ मैं हूँ तो कुछ चीज़ आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि यार आप ज़रा वीडियो चेंज कर रहे हो, देखें ये चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन ट्यूटोरियल का साथ और मेरा साथ और आपके साथ साथ ये कुछ चीज़ पीछे नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसा रहेगा कि हम ट्यूटोरियल के साथ सिनेमैटिक्स और कुछ व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगा अपने डेली रूटीन के बारे में। तो आइए चलते हैं इस ट्यूटोरियल पे और इस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने ओवरऑल सनमा 40 पे बनाया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक लो क्वालिटी करी हुई है। और ये देखें किस तरह एनिमेट हुआ हुआ है, और हम देखते हैं, देखें ये जो सर्कल जो स्लाइसिस में आ रहा है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि ये मैंने किस तरह इसको अचीव किया और क्या रिज़ल्ट आया इन दी एंड। ठीक है, तो ये है मेरा स्फेयर, और जो कि मैंने नल ऑब्जेक्ट से के साथ ग्रुप किया हुआ है। हम न्यू पे आते हैं, और न्यू पे आने के बाद हमने यहाँ कॉपी पे स्फेयर को मार दिया। ठीक है, अब मैंने इसलिए करा कि ये मैं आप लोग को शो करा सकूँ कि बेसिकली इसकी एनिमेशन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्टर्स लगे हुए हैं सनमा 40 में जो हमें हमारे पास मौजूद है, और इसके लिए कोई मैंने एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ नहीं किया। ठीक है जी, थर्ड पार्टी प्लगइन जो होता है। तो देखते हैं, ये देखे थे सारे स्फेयर मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ फ्रैक्चर को हाइड, और तो मैंने हाइड करा, और हाइड करने के बाद मैं जो हूँ आ जाता हूँ उसको फिर को। अच्छा जी, तो फ्रैक्चर को मैंने हाइड किया है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, कोई एक स्फीयर को सिलेक्ट करते हैं, और जैसे कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये हुआ है हमारे पास, और देखें ये स्फीयर को मैंने एक ग्रुप से हटा के आपको सिर्फ शो कराने के लिए मैंने ये करा था। और इस जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में जिस तरह मैंने यूज़ किया वो तरीका बता रहा हूँ। मैंने बेसिकली कॉपीज़ लिए और इस तरह मैं ऑफसेट करता गया। ठीक है, अच्छा भाई, ऐसा है कि काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि यार आप बहुत आपके बोर ट्यूटोरियल होते हैं, तो भाई ये कि एक तरीका है भाई मेरा कि इसी तरह मैं ट्यूटोरियल्स और ये वीडियोस बनाता हूँ। कोशिश होती है कि आप लोग को यार खुश रखूँ, और ये स्टाइल है यार, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट करता रहूँ, और आप लोग से मेरा लिंक जुड़ा रहे, और अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए आती रहें। और जो रह रहे हैं ट्यूटोरियल और जो वीडियो से मैं हट रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं, ये वीडियोज़ बनती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक, अब देखें ये मैंने प्लेन लिया था, और देखें किस तरह एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अब ये एनिमेट करने के बाद इफेक्ट पैरामीटर डिफॉर्मर। अच्छा जी, तो स्केल मैंने -1 किया हुआ है। फेयर और क्या करना था, कहाँ है यार, डिफॉर्मर फॉल ऑफ। ठीक है, ये देखिए शेप मैंने लीनियर किया हुआ है। ठीक है, लीनियर दे, देखिए ये स्केल आप इसका जो साइज़ है बढ़ा सकते हैं, और डिले को मैंने
ये फ्रैक्चर के अंदर जो इफेक्टर्स मैंने यूज़ करे हैं वो यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, डिले को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। डिले बेसिकली आपका स्मूथनेस शो करता है कि कितना आपको ऑब्जेक्ट आप कितना स्मूथ लाना है। तो ये देखें ये किस तरह आ रहा है। ठीक है, देखें ये किस तरह हमारे पास ये एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अभी किस तरह एनिमेट हो रहा है हमारे पास। अभी देखें, अब मैंने डिले को थोड़ा सा बढ़ाया, ज़बरदस्त एनिमेशन हो रही है। ठीक है, इफेक्टर को अब मैं स्ट्रेंथ और बढ़ा दूंगा, फुल कर। अरे भाई ये तो बड़ा अजीब सा आ गया। तो देखें ये डिपेंड है कि आप किस तरह, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड है कि आप बेसिकली क्या चाह रहे हैं। तो देखिए ये एनिमेशन हमारे पास, डिले को मैंने 100% कर दिया इसका जो स्ट्रेंथ है। ठीक है, हम दोबारा 57 पाए और देखा ये इफेक्ट किस तरह आ गया हमारे पास। तो बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन लग रही है। अब स्ट्रेंथ हमने 5 करी तो इतने क्या एनिमेशन हमारे पास बन गए बेहतरीन। तो ये हमारे पास एनिमेशन आ रही है, शेडर में आएंगे। ठीक है, जो मैंने इसमें शेडर यूज़ करा है, तो डबल क्लिक किया मैंने, कलर पाया, कलराइजर लगाया हुआ है और ये मेरे पास आप देख सकते हैं इफेक्ट है। ठीक है, कलर कलराइजर पर आया और ये मैंने कलर यूज़ किए हुए एज अ ग्रेडियंट। ठीक है, और ये हमारे पास के इनपुट है जो कि सेचुरेशन, लुमिनस, ह्यू, लाइटनेस, काफ़ी ऑप्शन है। और देखें ये इसके जो इफेक्ट है आप ये व्यू पोर्ट पे देख सकते हैं, ये सेचुरेशन क्या हुआ है, ये लाइटनेस है, ये रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रेंडर करते हैं, बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, और ये देखें सिंपल सा मैंने इफेक्टर यूज़ किया हुआ था और ये आ गया। बहुत खूबसूरत सी एनिमेशन बनी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ इस तरह के से एनिमेशन बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये है कि देखिए अब जो बाकी स्ट्रोक एनिमेशन थी कि मैंने किस तरह अचीव किया इसको, तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही ईजी है। एक सिंपल स्प्लाइन रैप हुआ हुआ है ये, और ये देखिए यहाँ आपको दिखाता हूँ वो, ये देखिए जो एनिमेशन है कितनी बेहतरीन एनिमेशन हुई हुई है। तो हम इसमें आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने किस तरह ये इफेक्ट बनाया। तो बेसिकली ये प्लेनर है, प्लेनर को मैंने अनहाइड करा और ये स्केल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसके एनिमेशन को मैं डिलीट करता हूँ और रोटेशन की एनिमेशन को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास प्लेनर है और मैंने सिर्फ सिंपल सा मैंने स्केल किया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये स्केल हुआ, बस स्केल से ये एनिमेट हो रहा है। तो गाइस ये सिंपल सी एनिमेशन है जो कि मैंने ये बनाई थी एनिमेशन, और सोचा गया ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि वो जो मुझे करना होता है। तो ऐसा है कि ये एक छोटी सी एनिमेशन थी और जो इफेक्टर मैंने C4D में यूज़ करे थे और जो इफेक्ट्स थे जो यूज़ करे थे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, देखिए सिंपल ये ऑब्जेक्ट है क्लोनर का और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ऑब्जेक्ट पर, स्प्लाइन को, और उसके बाद ये देखें क्लोनर है
और इफ़ेक्ट में देखें कितने सारे मैंने इफ़ेक्ट लगाए, मैं प्लेन रैंडम और डिले, डिले का मैंने आपको भी बताया था कि डिले क्या काम कर रहा है। और रही बात कंपोजिट की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और मैं आपको मिलूँगा कंपोजिट के बारे में, कंपोजिट मैंने किस तरह इसमें की है, इतना कोई ख़ास नहीं था लेकिन जब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और ये एक सिंपल सी एनिमेशन थी जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करी, एक ओवरव्यू था इस प्रोजेक्ट के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसी चीज़ बना के मेरे साथ शेयर करेंगे, जो कि फेसबुक पे मैंने पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप बनाया, उसका लिंक भी मैंने अपने फेसबुक पेज पे मैंने शेयर किया हुआ है, तो मैं शेयर करता हूँ। जो कि आजकल यार आप लोग को नहीं मिलेंगे इस तरह के ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑनलाइन, मुझसे अच्छा मैं भी काम करवा रहा हूँ, ठीक है, मुझसे अच्छा सिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन सीखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको मेरे चैनल में मिलती है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।